पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज ये बता दूं कि जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा कि आपको किस किस विषय में जानकारी मिलने वाली है। फेज़ वन से लेकर के पोल तक आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, काउंसलिंग के कितने पार्ट होते हैं, मैं वो सब आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगी। और दूसरी चीज़ ये कि यूपी वेट काउंसलिंग में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं इसका वीडियो प्रॉपर मैंने बता दिया है, हर एक चीज़ का, यहाँ तक कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको कितनी कॉपी निकलवानी है, कैसे क्या होंगे, सो वो वीडियो जा करके देख लीजिए। फिलहाल मैं छोटा सा एक रिव्यू आपको दे देती हूँ यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स का, बाकी मैं अभी आपको काउंसलिंग का एक्स वाई जेड पूरा डिस्क्राइब करूँगी। सो चैनल पे बने रहिए, आगे आपको इसी चैनल पे यूपी बीएड से जुड़े सारे हर पर सेमेस्टर वाइज नोट्स भी मिलेंगे, वो भी हैंड रिटन। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड कॉपी ऑफ जेई बीएड एग्जाम 2021, मतलब जब आपने फॉर्म फिल किया था यूपी बीएड एंट्रेंस का, वो एडमिट कार्ड, साथ में स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड वगैरह क्या होता है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि कहाँ से मिलेगा चीज़ें, मेडिकल सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें बताई हैं मैंने, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट और सारी मार्कशीट जितने अभी तक आपने एग्जाम क्वालिफाई किए, कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट, लाइक आपका रियल आधार कार्ड होना चाहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपके ऐसा कोई इशू है कि मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कोई और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और मार्कशीट में हाई स्कूल की कोई और लिखी हुई है, तो उसको जाकर के फटाफट से सही करवा लीजिएगा, है ना। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 की आप 8 रख के चलिए, फी रिसिप्ट कॉपी, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आपकी काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस की। देखिए, शुरू से पढ़ते हैं और मैं आपको एक एक प्रोसेस, एक एक चीज़ें समझाती चलूँगी, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कैंडिडेट्स हु पास्ड यूपी जेई बीएड 2021 एग्जाम आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब जो बच्चे पास हो चुके हैं वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी विल स्टार्ट द काउंसलिंग प्रोसेस वेरी सून, बहुत जल्दी शुरू कर देगी। और फिलहाल देखिए, आज की ही ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल की अपडेट शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, उसमें उन्होंने जो कॉलेज हैं उनको एक आईडी पासवर्ड दिया और उनसे वहाँ की कला वर्ग, विज्ञान वर्ग की सीट की जानकारी भी ली है कि आपके कॉलेज में कितनी सीट है ना, तो वो प्रोसेस शुरू भी हो गया है। तो काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन 3 राउंड्स, कितने राउंड्स में, 3 राउंड्स में। कौन कौन से राउंड होंगे ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, चेक द डिटेल्स बिलो। अब देखिए क्या कह रहे हैं, काउंसलिंग के राउंड्स क्या होंगे, पहली राउंड में क्या होगा, दूसरे राउंड में क्या होगा, तीसरे राउंड में क्या होगा, और उसके बाद में फोर्थ काउंसलिंग राउंड 4 क्या होता है, और सबसे बड़ी बात मैम ये पूल काउंसलिंग का क्या चक्कर है, ये सब कुछ आइए जानते हैं। देखिए, फेज़ 1 ये सारी आपकी 2021-22 से जुड़ी जानकारी है। मैं इस चैनल पे आपको वीडियो भले थोड़ा सा लेट दूं लेकिन ऑथेंटिक जानकारी दूंगी, ना कि फर्जी, है ना। सो ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, ओके। सो देखिए, एक तरफ ये इवेंट्स दिए हुए, ये आपकी डेट्स दी हुई। अब देखिए, फेज़ 1 की जो आपकी काउंसलिंग होगी उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट होगी अगस्त में ही, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग डेट भी आपकी अगस्त में ही होगी, चॉइस लॉकिंग डेट भी आपकी अगस्त 2021 दी है, सीट अलॉटमेंट पब्लिश ये भी आपका अगस्त 2021 दिया है, सीट कंफर्मेशन फ़ी पेमेंट, जो आपका फ़ी पेमेंट, अभी ये वीडियो शायद मैंने नहीं बनाया बट मैं आपको बता दूँ, इसमें 4750 रुपये एक, 750 रुपये एक, 500 रुपये एक, ऐसे करके कुछ चीज़ें होती हैं, उसका वीडियो मैं अलग बना दूँगी। अगस्त 2021 मैम आप कन्फर्म डेट बताइए, अभी ये वहाँ से अपडेट जब होगी तब आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट डेट क्या है। बस ये मान के चलिए आप 27 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही तुरंत डेट आ जाएगी कि इस दिन फेज़ 1 की काउंसलिंग होगी। अब मैम फेज़ 1 की काउंसलिंग होगी तो उसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं, तो आप किस फेज़ की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं ये मैं आपको अंत में बताऊंगी, मैंने इसका एक पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, उस ग्राफ के माध्यम से। देखिए, फेज़ 2 की जो काउंसलिंग डेट होगी वो सितंबर में होगी, वही सेम है, रजिस्ट्रेशन डेट भी और रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग, ये क्या होता है ये भी मैं आपको अभी एक एक पूरा प्रोसेस सबके, देखो हर एक फेज़ की काउंसलिंग के लिए यही प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, उसके बाद में आपको चॉइस लॉक करना होगा, उसके बाद में आपको सीट अलॉट हो जाएगी और उसके बाद में आपका सीट कंफर्मेशन पेमेंट हो जाएगा, यही सब रिसिप्ट लेकर के आपको कॉलेज चले जाना होगा, ठीक है। तो ये आपकी सितंबर की डेट यहाँ पे दी हुई है, फेज़ 4 की भी डेट आपकी सितंबर में है, लेकिन जो फेज़ 4 की रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश डेट ये सारी आपके अक्टूबर में है, ठीक है। अब ये पूल काउंसलिंग क्या है ये भी आपके अक्टूबर में दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन राउंड सबसे लास्ट में होता है, ये क्या डेटा रिकॉन्सिलेशन ये भी आपको अक्टूबर में होगा, और डेटा
डायरेक्ट एडमिशन बाय कॉलेज। क्या होता है, जब आपने जैसे पेपर दे दिया, आप फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री इन सब की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। बाद में यदि किसी कॉलेज की सीट बच जाती है और अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो उसमें कुछ बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। ठीक है, अब देखिए मैं आपको अभी बताया ना कि ग्राफ के माध्यम से बताऊंगी कि आपकी रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग किस फेज़ में होगी। देखिए, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 50,000 तक की है, ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग कब होगी, फेज़ वन में होगी, है ना। अगर आपकी रैंक 50,000 1 से लेकर के 140,000, है ना, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 140,000 तक है तो आपका किस राउंड में होगा, फेज़ टू में। अगर आपकी रैंक 140,000 1 से लेकर के 240,000 के बीच में आई है, ये कौन सी रैंक है पता है, दो तरीके, जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे दो तरीके की रैंक आती है, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि वो रैंक कैसे देखी जाती है। एक आपकी स्टेट रैंक होती है, ये जो डिटेल्स होती हैं ये आपकी स्टेट रैंक पर डिपेंड है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए 24,000 1 से लेकर के फिर लास्ट जितनी भी रैंक हो वहाँ तक आपका जो भी है वो फेज़ फोर में काउंसलिंग होगी। और उसके बाद में ये जो पूल काउंसलिंग होगी ये एज़ पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद में ये डायरेक्ट वाले बच्चे, ठीक है, ये डायरेक्ट वाले बच्चे ये सिर्फ उनके लिए है जिनका फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर में नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए आपका जो सिस्टम है वो किस हिसाब से है, जब आपकी फेज़ वन की राउंड की काउंसलिंग होगी तो वो इस प्रोसेस से होगी। देखिए प्रोसेस सब में सेम होगा, चाहे फेज़ वन वाला बच्चा हो, बस डिफरेंस ये होता है कि जैसे मेरी रैंक कम आई तो हमारी काउंसलिंग पहले हो गई, आपकी रैंक, जैसे मेरी रैंक मतलब कम का मतलब यहाँ पे कि 1 से 50,000 के बीच में, अगर आपकी रैंक ज़्यादा आई 50,000 से प्लस तो उन बच्चों की काउंसलिंग बाद में होगी और उनके में भी वही प्रोसेस होगा। कौन कौन सा प्रोसेस, ये जो कॉमन प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का, चॉइस ये सीट अलॉटमेंट का और कन्फर्मेशन का, ठीक है। अब मैम ये क्या होता है, तो मैंने सोचा ये जब सबके में ही प्रोसेस है तो इसको भी मैं एक बार समझा देती हूँ। देखिए स्टेप वन में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें क्या होगा, कैंडिडेट्स हु गेट स्टेट रैंक इन एंट्रेंस टेस्ट नीड टू रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, कैंडिडेट्स नीड्स टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ देयर मार्कशीट। ये आपका जब रिजल्ट आ जाएगा ना, जब आपकी रैंक आ जाएगी उसके बाद में आपने जहाँ से फॉर्म फिल करवाया था, या आप खुद स्वयं से ये काम कर सकते हैं। कैसे होगा ये भी मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बता दूंगी, है ना। अब देखिए स्टेप टू में क्या होगा, डिपॉजिट काउंसलिंग फी एंड एडवांस कॉलेज फी पेमेंट। अब देखिए ये यहीं पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ, बहुत से चैनल्स पे आप जाएंगे आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे, गुमराह कर देंगे आपको, पहले एक बार ये बताएंगे फिर वो बताएंगे, मैं आपको सारी चीज़ें इसी में बता रही हूँ। देखिए कैंडिडेट्स नीड्स टू डिपॉजिट ₹5,750 एज काउंसलिंग फी एंड ₹5,000 एज एडवांस कॉलेज फी बाई यूजिंग नेट बैंकिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड ओनली। देखिए बात यहाँ पे ये बोली गई है, जो ₹750 ये आपके काउंसलिंग फीस हो जाएगी, जो ₹5,000 जमा होंगे वो, जैसे आपका कॉलेज है ना तो वो कॉलेज की फीस जब आप देने जाएंगे तो वो कट जाएंगे ₹5,000। अब आप सोच रहे होंगे मैम अगर हमने मान लो एडमिशन नहीं लिया तब क्या हमको ये पैसे वापस होंगे, तब आपके ₹5,000 वापस होंगे लेकिन ये ₹750 वापस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा आपका स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का, क्या है ये भाई नई चीज़, आइए बताते हैं हम आपको। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड टू फिल देयर चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, चॉइस कैन बी प्रीव्यूड एंड रीअरेंज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल फाइनल सबमिशन। देखिए फाइनल सबमिशन तक आप इन्हें बार बार चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इसमें चॉइस फिलिंग का सेंस ये है यहाँ पे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, मतलब सबसे पहले तो आदमी गवर्नमेंट, लेकिन अगर उसका नहीं हो पाया तो उसके बाद में जब जो कॉलेज अलॉट होते हैं उसमें से आपको चॉइस दी जाती है। जैसे आपने सपोज आप कानपुर के स्टेट, कानपुर जो है जिले से हैं, ठीक है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वहाँ पर जो कॉलेज होंगे आप उनमें किसी एक को चुन लीजिए, मीन्स जो आपके घर के पास हो या थोड़ा घर से दूर हो। और ये आपकी रैंक पर भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कहाँ के कॉलेज चूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। अब कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट देखिए, कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया उन्होंने कि जिस हिसाब से आपकी स्टेट रैंक होगी उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, एज वेल एज द कॉलेज दे हैव सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस ड्यूरिंग काउंसलिंग। और कोशिश वो ये करते हैं कि जिस हिसाब से आपने कॉलेज की प्रेफरेंस दी है उसी बेसिस पे, उसी के हिसाब से आपकी रैंक अगर अच्छी है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा।
प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड। अब देखिए ये क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज विल हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर। ये आपके ही नंबर पे आ जाएगा, बस आपको जो ये यूपीजेई बीएड ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये डाउनलोड कर लेंगे इसकी कॉपी वहाँ पर लगेगी, है ना। उसके बाद में देखिए रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज क्या सीन है, ये सारे स्टेप हैं जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे। आप इसे फर्जी नहीं समझिए, ये प्रॉपर वेबसाइट से बता रही हूँ मैं आपको। द कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद प्रोविजनल कम अलॉटमेंट लेटर। देखिए साफ साफ बोला है कि जब आपको 7 दिन के अंतराल में जब आपके अलॉटमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको साथ में ये आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा ना, ये और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेकर के आपको वेरीफाई, देखिए लिखा है यहाँ पे साफ साफ, कैंडिडेट नीड्स टू वेरीफाई देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। जहाँ आपको जो कॉलेज आपका कन्फर्म हो गया तो बस उसका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसके बाद में आप जाइए उसी कॉलेज में और आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन और जो आपको कॉलेज मिला है उसका अलॉटमेंट लेटर ये आपको लेकर के वहाँ के प्रिंसिपल के सामने जाना होगा। कॉलेज जो है वेरीफाई करता है कि कहीं फर्जी तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब देखिए पूल काउंसलिंग, आपने कहा था हम आपको लास्ट में समझाएंगे, अब देखिए है ना। After completed the first round of counseling, the vacant seats in colleges are filled by pool counseling. मैंने बताया था ना आपको ये, जैसे कोई कॉलेज है वहाँ की कुछ सीट बच गई तो वो पूल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं बच्चों का। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और दोज हु आर रिजेक्टेड आर नॉट अलाउड एनी कॉलेज इन राउंड वन और दोज हु आर फेल्ड टू टेक एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पूल काउंसलिंग। उनको पूल काउंसलिंग का एक फॉर्म आता है वो फिल करना पड़ेगा और वो एलिजिबल हो जाएंगे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जहाँ की सीट वैकेंट रह गई है, खाली रह गई है। प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग इज द सेम एज डेट फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग, सेम प्रोसेस है जैसा हमने आपको बताया ना पूरा प्रॉपर, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री उसी तरह होगा, कुछ अलग नहीं होता है। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर, पे द रजिस्ट्रेशन फीस एंड फुल ऑफ कॉलेज फी एंड देन फिल द चॉइस, सेम प्रोसेस होता है बस वो ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी, अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको कोई नई जानकारी चाहिए कि मैम ये कैसे होगा वो कैसे होगा, या आपको थोड़ी सी भी अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी बात का रिप्लाई कर दूँ। और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ना प्रेस करना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले जानकारी चैनल पर मिल जाए, है ना। और बाकी तो मैंने बताई दिया आपको कि नोट्स विद हैंड रिटन सब पूरे सेमेस्टर वाइज आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।